अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं, स्पेन चैंपियंस ऑफ यूरोप येट अगेन। बहुत मज़ेदार फैन थे यूरोपियन कप का, मज़ा आ गया देख के। और इंग्लैंड तो डिजर्व ही नहीं करती थी ये फाइनल खेलना, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अम्पायर फाइनल में पहुंचे। हालांकि वो अम्पायर है, इस पर बैन भी रहा, इस पर एलिगेशन भी रहे, इसने इस पर झूठ बली हमने भी एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया था कि तुम पैसे लिए हुए तूने, जब पूछा टॉर्नामेंट में खेला था झूठ बली हम, तभी जब उसने से कहा था कि तू पैसे लेके अंपायरिंग करता है, तू बेईमानी करता, तू गलत अंपायरिंग करता है। यानी उस अंपायर पता नहीं बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी सही, उस पर बैन भी रहे, लेकिन पता नहीं फीफा ने उसे लास्ट सेमीफाइनल होते यूरोप का नेदरलैंड्स और इंग्लैंड अंपायर बनाया। एनी हाउ विद अंपायर इंग्लैंड पहुँच तो गई, लेकिन हार गई। हैरी केन और साउथगेट, मजा आ गया यार, मजा आ गया। ऐसा कोई नौसी प्लेयर है, ऐसा कोई नौसी कोच है, कोई ट्रॉफी नहीं दोनों के खाते में, कोई ट्रॉफी नहीं। और हैरी केन का कल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनना था ही नहीं, ओली वाटकिंस को डालना चाहिए था, उसने हैरी केन को डाल दिया। हैरी केन जो बहुत बुरा खेला है इस यूरोपियन कप के अंदर, लाइक एम्बापे, लाइक रोनाल्डो, बहुत बुरा खेला है भाईजान, पता नहीं क्यों डाला। ऊपर से साउथगेट की फॉर्मेशन में समझ नहीं आया, फिर फॉरन स्टूडेंट टूर्नामेंट में जीरो खेला, जीरो बोले पाले मर्चा ऐसी का प्लेयर, इतना जबरदस्त खेला। लास्ट सेमीफाइनल के अंदर उसने सेमीफाइनल के अंदर उसने असिस्ट मारा, फाइनल में उसने गोल किया जूट बलिंगम के ऊपर, उसे सब्स्टिट्यूट खिला रहा है और फिर फॉरन को प्लेइंग इलेवन के अंदर खिला रहा है। फिर फॉरन की जगह बनती नहीं थी, पॉलमर की जगह बनती थी, उसने साबित किया कि वो रिजर्व करता था प्लेइंग इलेवन का, लेकिन साउथगेट ने अपनी मनमानी की गंद मारा। ऊपर से बात कर लेते हैं कोपा अमेरिका के फाइनल के ऊपर भी, अर्जेंटीना जीत गई, लॉरेंस मार्टिनेज ने गोल किया है जो इंटर मिलान में खेलता है, 1-0 से जीती है, 112वें मिनट में गोल किया था। और डी मिलिया भी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। मैसी का भी लास्ट कोपा अमेरिका था, कंसेक्टिव दो दफ़ा कोपा अमेरिका जीत चुकी है अर्जेंटीना अंडर द कैप्टनशिप ऑफ लियोनेल मेसी, एक बहुत ही जबरदस्त वाले ना मेसी, तो आपको पता है इंटर मियामी को टाइटल जितवाया, अब ये इधर कोपा अमेरिका जितवा दिया है, पहले दौर के अंदर है। लेकिन पहले दौर के अंदर बहुत से प्लेयर थे, पायो साका भी है, पार्मर भी है, लेमी यमाल जिस जो 11 मिलियन पे था यूरो पे था, अब 75 मिलियन यूरो की मार्केट हो गई है। एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉन्सरशिप है बार्सिलोना का, और स्पेन में लेफ्ट विंगर है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, आपने देखा उसने गोल भी देखा होगा आप लोग लास्ट सेमीफाइनल के अंदर। यानी कि बहुत विनीशियस जूनियर, लेकिन विनीशियस जूनियर कारवाहाल भी है, विनीशियस जूनियर का नहीं बनता बैलन डॉर लेना, क्योंकि वो इतना गंदा खेला कोपा अमेरिका जिसकी कोई इंतहा को नहीं। एनी वे देखते हैं, लेकिन बड़ा मजा आया, डार्क इंग्लैंड हार गया। 58 ईयर से इंग्लैंड नेवर वन अ फीफा ट्रॉफी है, नेवर वन अ यूएफए यूरो कप, कंसेक्यूटिव दो दफ़ा पहुंची है फाइनल के अंदर यूरोपियन कप पे, लेकिन दोनों दफ़ा फाइनल, लास्ट टाइम इटली ने ठोका, इस दफ़ा स्पेन ने ठोक दिया। मजा आ गया भाई, साउथ गेट तू डिजर्व ही नहीं करता, पता नहीं तू, कहते हैं ना कि वो कोच नहीं है बड़े मैच का, जैसे बड़े मैच का बड़े प्लेयर, तू बड़े मैच का बड़ा कोच नहीं, तुझे तू रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। और कल देखा जाए तो मुझे इंग्लैंड की फॉर्मेशन समझ नहीं आई, स्पेन अटैक पे अटैक कर रही है, अटैक पे अटैक कर रही है, ये सुकून से खेल, जब वो गोल करते थे फिर ये अटैक ऊपर जाते थे, फिर जब उन्होंने दूसरा गोल लिया फिर ये अटैक ऊपर गए हैं दोबारा से। लेकिन उससे पहले जब इन्होंने इक्वलाइज किया स्पेन का स्कोर 1-1, उसके बाद ये तो डिफेंसिव मूड में चले गए उन्होंने, लेकिन गोल कर दिया फिर ये दोबारा अटैक पे आए, जब 86वें मिनट में उन्होंने गोल किया फिर ये अटैक के ऊपर आए हैं, उससे पहले एक दफ़ा भी उनके डी में नहीं गए अटैक करने के। लेकिन मुबारक हो स्पेन को, बहुत बहुत, एक दफ़ा फिर यूरोपियन कप का चैंपियन बन गया। एनी वेज कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।